दोस्तों TVS Apache RTR 162V मॉडल इंडियन टू व्हीलर मार्केट की स्ट्रीट कम्यूटर बाइक सेगमेंट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक है। ये बाइक Apache सीरीज का एंट्री लेवल बाइक है। 2006 में TVS मोटर्स इंडिया ने इस बाइक को पहली बार इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। टाइम टाइम पे TVS मोटर्स ने इस बाइक को अपग्रेड भी किया है। 2020 से ये बाइक RTFI टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में अवेलेबल है। अभी 2022 में इस बाइक में एक बहुत ही यूनिक अपडेट हुआ है और आज मैं आपको वही अपडेटेड वेरिएंट दिखा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपको इस बाइक का हर बात पता चलेगा जो इस बाइक को खरीदने से पहले जानना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट में बताएं ये बाइक आपको कैसा लगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अमित, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल की और एक नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें मैसेज कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 2022 TVS Apache RTR 162V सिंगल डिस्क वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 109,140 रुपीस एंड डबल डिस्क वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 112,140 रुपीस। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ शुभ TVS की हावड़ा शोरूम में। अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों पहले की तरह ये बाइक 6 डिफरेंट कलर में अवेलेबल है, जिसमें से अभी आप मैट ग्रे कलर वेरिएंट को देख रहे हैं। इसे थंडर ग्रे कलर वेरिएंट भी बोला जाता है। इस बार इस बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर्स एंड साइड स्टैंड इंडिकेटर ऐड किया गया है। इस फीचर्स के चलते साइड स्टैंड डाला हुआ रहने से बाइक स्टार्ट नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट पैनल में आप डिजिटल साइड स्टैंड इंडिकेटर्स को भी देख पाएंगे। इस बाइक की ओवरऑल लुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सामने की तरफ दो LED DRL के साथ DC ऑपरेटेड 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब टाइप हेडलाइट यूनिट दिया गया है। इंडिकेटर्स की तरफ देखें तो क्लियर लेंस वाला नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स इस बाइक का फ्रंट साइड में मिलेगा। दोस्तों इस बाइक में 12 लीटर कैपेसिटी वाला मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है। इस फ्यूल टैंक का दोनों साइड में सिल्वर कलर का TVS का 3D हॉर्स लोगो यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइड पैनल में स्टिकर से Apache ब्रांडिंग किया गया है एंड टेल काउल में RTR 160 ब्रांडिंग एंड इंडियन फ्लैग का स्टिकर देखने को मिलेगा। दोस्तों इस बाइक में स्टेप टाइप सिंगल सीट दिया गया है और रियर साइड में दो स्प्लिट मेटल पिलियन ग्रैबर भी यहाँ पे मिल जाएगा। टेल लाइट की तरफ देखें तो इस बाइक में 0.5 वॉट का ट्विन ट्रायंगल LED टेल लाइट मिलेगा। और दोस्तों इस बाइक का रियर साइड इंडिकेटर्स भी क्लियर लेंस वाला नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स है। इस बाइक में क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार के साथ डिसेंट क्वालिटी का स्विच कंसोल मिलेगा। राइट साइड में इंजन किल स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच दिया गया है। लेफ्ट साइड में मिलेगा पास बीम स्विच, हाई लो बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच एंड हॉर्न स्विच। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ देखें तो इस बाइक में व्हाइट बैकलाइट वाला एनालॉग एंड डिजिटल कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। लेफ्ट साइड में डिजिटल में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर, फ्यूल गेज, साइड स्टैंड इंडिकेटर एंड क्लॉक मिलेगा। इसके नीचे टर्न लाइट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर मिलेगा। राइट साइड में एनालॉग में RPM मीटर के अलावा ABS इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, बैटरी हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर मिलेगा। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टेक्निकली ये बाइक पहले जैसा ही है। इस बाइक में BS6 कंप्लायंट 159.7 cc एयर कूल्ड 2-वाल्व रेस ट्यून फुल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा, जो 8400 RPM में मैक्सिमम 15.53 PS पावर एंड 7000 RPM में मैक्सिमम 13.9 Nm टॉर्क प्रोवाइड करेगा। इस बाइक में GTT फीचर्स यानी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी भी इस बाइक में दिया गया है। दोस्तों ये एक ऐसा फीचर है जिसके मदद से बिना थ्रॉटल घुमाए सिर्फ क्लच लीवर को छोड़कर आप स्लो मूव कर सकेंगे। इस बाइक में 1-down-4-up पैटर्न का 5-speed गियरबॉक्स मिलेगा और दोस्तों किकस्टार्ट का ऑप्शन इस बाइक में नहीं है। इस बाइक में एक इंजन कॉइल भी यहाँ पे मिलेगा। इस बाइक में सिंगल चैनल सुपर मोटो ABS सिस्टम भी दिया गया है। दोस्तों ये बाइक सिंगल डिस्क एंड डबल डिस्क दोनों वेरिएंट में ही अवेलेबल है। अभी आप डबल डिस्क वेरिएंट को देख रहे हैं। इस बाइक का फ्रंट व्हील में ट्विन पिस्टन कैलिपर वाला 270 mm डायमीटर का रोटोपेडल डिस्प्ले विद सुपर मोटो ABS सेंसर मिलेगा। इस बाइक का रियर व्हील में मिलेगा सिंगल पिस्टन कैलिपर वाला 200 mm डायमीटर का रोटोपेडल डिस्प्ले। फ्रेम एंड सस्पेंशन की तरफ देखें तो इस बाइक का फ्रंट साइड में 105 mm ट्रेवल लेंथ के साथ 33 mm डायमीटर वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। इस बाइक में ड्यूल क्रडल चेसिस का यूज हुआ है एंड रियर साइड में बॉक्स टाइप स्विंग आर्म मिलेगा। रियर साइड में स्प्रिंग लोडेड मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड ट्विन सस्पेंशन दिया गया है। व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो इस बाइक का फ्रंट व्हील में 90x90 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। रियर व्हील में मिलेगा 110x80 साइज का ट्यूबलेस टायर। इस बाइक का दोनों रिम ही 17 inch डायमीटर वाला है। तो दोस्तों ये था दी ऑल न्यू 2022 TVS Apache RTR 162V मॉडल का एक डिटेल वकारण रिव्यू।
मुझे तो ये बाइक बहुत ही अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, राइड सेफ, जय हिंद।